मुझे बताओ यहाँ दुर्गा की माँ कौन है, है? मैं ही हूँ साहब। तो तुम हो उसकी माँ, क्यों? कहाँ है तेरा बेटा? हे भगवान, मुझे मेरे बेटे को देखकर एक हफ्ता हो गया है, पता नहीं कहाँ है वो। झूठ मत बोल वरना खत्म कर दूंगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे मारने से आपको मेरा बेटा मिल जाएगा? देखा क्या ये बुढ़िया कैसे अकड़ के बात कर रही है। हाँ सर, चर्बी बहुत ज्यादा चढ़ गई है क्या? हम जैसे गरीबों को चर्बी कहाँ से आएगी साहब? उन अंग्रेजों का जूठा खा कर आपको ही चर्बी ज्यादा आ गई है। उसकी माँ भी वैसी ही है खतरनाक। वो तो अब मैं दिखाऊंगा, मुझसे पंगा, सारे गांव वालों को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। बहुत बोलती है तू, बहुत बोलती है, हमारे हाथों से मार खाएगी तो पता चल जाएगा तुझे मैं कौन हूँ। बुढ़िया जीना नहीं चाहती है क्या? बुढ़िया कंपनी सरकार से पंगा लेने के बाद तेरे बेटे की क्या हालत होगी तुझे पता नहीं है क्या? बुढ़िया तेरे गद्दार बेटे को सरकार क्या सजा देगी पता है? मेरा बेटा गद्दार नहीं है साहब, वो मर्द का बच्चा है। कान खोलकर सुन लीजिए, अपनी इस धरती के लिए, अपने इस देश के लिए स्वाभिमान से जीकर संघर्ष कर रहा है वो। बंद कर बुढ़िया। जमीन के टुकड़ों को जीतकर अपना अधिकार जमाते हुए जो छल कपट से हासिल किए हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। खूनी खेल और आत्मसम्मान की लड़ाई इतनी आसानी से क्रांतिकारियों के लिए गले की हार नहीं बन सकी। सदियों से बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ हम पर, बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग भी किया गया, लेकिन गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को विश्व के सारे लोग नमन करते हैं। त्याग बलिदान ही इसका मूल मंत्र है। स्वतंत्रता पाने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे। जहां लोग अपने धैर्य को खोकर गलत रास्ते अपना रहे थे, वहीं भारत भूमि के लिए चिंतन करने वाले लोगों ने आगे संग्राम किया जो आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बना। केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत आए ब्रिटिश लोगों ने यहां आकर हम लोगों को धोखा दिया और यही जम गए। उनकी आगे की सोच उस जमाने में कुछ भी नहीं था, मगर बाद में देश के अलग अलग भागों में आक्रमण करके भारत के वासियों को उन्होंने गुलाम बना लिया। उसके बाद बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, हर एक इंसान में देशभक्ति की भावना जागी और उन्होंने समूह बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर जब उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंची, तब स्वतंत्रता संग्राम में कूद कर इस मिट्टी के कर्ज को उतारने के लिए बड़े और छोटे सभी लोग आगे बढ़े, मिट्टी के कर्ज के साथ माँ की रोटी का कर्ज उतारने के लिए। और उन्हीं में से एक दुर्गप्पा भी स्वतंत्रता योद्धा था और उनका अनावरण ईस्वी 1944 में हुआ था। अरे आइए आइए मालिक। हाँ अपने सारे लोग आ गए ना? हाँ आ गए मालिक। हाँ बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। इसी जमीन पे पैदा होके हम लोग बड़े हुए हैं और इसी जमीन का पानी हम सब पीते हैं। उस भगवान ने ही हमारे लिए जमीन और पानी दिया है और उसी पर निर्भर होके हम सब जी रहे हैं। सही कहा, अपने किसान लोग मेहनत से अनाज उगाकर अपना पेट भर रहे हैं और यही वजह है कि हम सबको
पूरी दुनिया के सामने अन्नदाता कहा जाता है। हाँ सही कहा। लेकिन भाइयों, अपने ही लोग अपने ही बीच में कूटनीतिक चाल चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, और वो गौड़ा लोग, कुलकर्णी लोग, जमींदार लोग हमारा सारा पैसा और हमारी मेहनत को उन विदेशी गोरे लोगों को तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। हमारे दुश्मन कहीं और नहीं, अपने ही गांव में हैं। उसके लिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सबको हिम्मत से लड़ना होगा। क्या कहते हो भाई लोग? हमारे ही लोग हमारे खिलाफ शेर और बकरी का खेल खेलते हैं, तो हम क्या करें? सही कहा तुमने, हिम्मत के साथ सामना करना होगा। हम सब एक ही माँ की संतानें हैं, तो हम लोगों को एक साथ मिलकर उन्हें अपनी एकता दिखानी होगी। और जब तक गोरे विदेशी अपना देश छोड़कर नहीं चले जाते हैं ना, हमें उनके विरुद्ध लड़ना ही होगा, ये जरूरी है। सब लोग मिल करके साथ में लड़ेंगे। आज से वंदे मातरम ही हम सबका मूल मंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ोगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हमारे सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल गलत है, समझ गए तुम लोग? अटैक! तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? आप एक अधिकारी हो, आपको हमारे सुख दुख में साथ देना चाहिए, हमारी इस लड़ाई में हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमारी लड़ाई में आपको साथ देना चाहिए था। वो सब छोड़ के उन विदेशियों का जूठा खाना खा के उनकी सेवा कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है क्या तुम्हें? तुम लोग किसके सामने ऐसा बोल रहे हो? कंपनी के लोगों को ऐसे बांध के रखना अपराध है, अगर सरकार को पता चला तो तुम सब नप जाओगे। ए खाकी साहब, हमारी जमीन में रहकर तुम उन गोरों के पक्ष में बात कर रहे हो, बंद करो अपना मुंह। किसे बोल रहे हो तुम? ज्यादा उछला ना तो यहीं पे मार डालेंगे इसे। हाथ लेट डालकर इन्हें जला दो। ए रामा, जल्दी लेकर आ। हाँ, जल्दी लेकर आ। जल्दी देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कंपनी को पता चला तो तुम सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। तुम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, याद रखना। छोड़ छोड़, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग की जिंदगी, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, तुम सब रुको रुको, देखो मेरी बात सुनो। शिवा भैया, क्या हुआ? मेरा मंगलसूत्र केशवा, मेरा सिंदूर, क्या हुआ बताओ तो? ऐसे क्या बड़बड़ा रही हो, इतनी क्यों डर गई हो? आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी मुझे? कोई बुरा सपना था शिवा भैया, वो अब तक आए नहीं क्या? नहीं आए। जरा टाइम देखिए तो क्या हुआ है। 10:15 होने को आए, अब आप सो जाइए, वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि 6 तक आ जाऊंगा, लेकिन अब तक नहीं आए। इतनी सी बात के लिए इतना घबरा गई? मत भूलिए, हमारे साहब विश्वकंठ जी हैं, वो कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े साहब हैं, उनको 1000 काम लगे रहते हैं, वो आ जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ तो जरूर हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ है, सब लोग स्वतंत्रता स्वतंत्रता कह के लड़ रहे हैं ना, तो उनको सबक सिखाने के लिए हमारे साहब वहीं पे मौजूद हैं। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई ना, तो भगवान है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, भगवान पर मुझे भी बहुत भरोसा है, लेकिन वो तो हमेशा ही न्याय और धर्म का ही साथ देते हैं ना, अधर्म का विरोध करते हैं, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या अपने साथ धर्म का पालन नहीं करते? धर्म का पालन करते हैं, आप ऐसी बात मत सोचिए। सारे गाँव में स्वतंत्रता और लड़ाई का शोर मचा के रखा हुआ है ना उन बेवकूफों ने, उन जैसे लोगों की अकल ठिकाने लगाने को आप अधर्म कहती हैं क्या? शिवा भैया, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ने वालों को आप इस तरह से बेवकूफ और कमीने कह रहे हैं? आइंदा से अगर ऐसा कुछ कहा ना तो बहुत बुरा होगा, कह देती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, सच जाने बिना उन बेचारे लोगों के बारे में पता नहीं क्या कह रहे हैं। जाइए, वो कहाँ है उन्हें जाकर ढूंढ कर लाइए। जी ठीक है, सिर्फ जाकर देखकर ही मत आइएगा, मैं उनकी यहाँ राह देख रही हूँ, ऐसा कहकर उन्हें साथ में लेकर आइएगा। जी जी ठीक है ठीक है। जो मुंह में आया पक देते हैं। हमारी जमीन में उगा खाना खाकर
हमें भीख दे रहा है। इन कमीनों को किसी भी तरह सबक सिखाकर इस देश से बाहर निकालना होगा। ए दुर्गिया, ए रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। पकड़ो उसे, रुक जाओ। मैंने कहा ना रुक जाओ, तुम भाग के नहीं जा सकते। रुक जाओ, बच कर नहीं जा पाओगे। ए दुर्गिया, रुक जाओ। भाग रहा था, इससे बच के कहाँ भागेगा? चले, हमसे बचकर भागेगा। रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। क्या बात है, बहुत रात हो गई है, उनकी रात देखते देखते आप ऐसे भैया, वो अब तक नहीं आए? नहीं आए, पुलिस चौकी में भी नहीं है, गांव के हर कोने में ढूंढा पर वो मुझे कहीं नजर तो नहीं आए। लगता है शायद किसी दूसरे गांव चले गए होंगे। वो घर में बिना बताए कहीं भी नहीं जाते हैं। इस बात से परेशान होकर ऐसा हाल क्यों बना रखा है आपने? स्वतंत्रता स्वतंत्रता करके वो बेवकूफ लोगों ने शोर मचा रखा है ना, तो उनके लिए अपने साहब को खाना पीना छोड़कर उनके पीछे लगना ही पड़ेगा ना। उन्हें यहाँ से खदेड़ के बाहर निकालना होगा। अब इसके लिए वक्त लगेगा, उनके पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सच में शिव भैया, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए जो मुँह में आए बस कहे जा रहे हैं। ये लोग स्वतंत्रता का नाम लेकर कोई शोर नहीं मचा रहे हैं। अपना देश, अपना हक, अपनों को हक दिलवाने के लिए बेचारे अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए लड़ रहे हैं, और आप ये सब कह रहे हैं? इसे ही संग्राम कहते हैं। पर उसके लिए अपना काम धंधा छोड़ के उसे ही क्यों करना है? क्यों करना है मतलब, अब आपके घर में कोई बाहर वाला आकर चार दिन रहेगा और पांचवे दिन आपसे आकर कहेगा कि ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, तो आप क्या करेंगे? उसे चुपचाप दे देंगे? मैं तो थप्पड़ मार के भगा दूंगा। और उसके साथ भी आपके साथ जबरदस्ती की तो? पूरे गाँव वालों को इकट्ठा करके पंचायत भी बुला लूंगा और लात मार के उसको सिर्फ घर छोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गाँव से निकलवा दूंगा। ये कोई बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? चार दिन रहने क्या आए, घर मेरा है, जमीन मेरा, ऐसा कहेंगे तो क्या रहने देंगे? हाँ, इसी तरह ये अंग्रेज भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मतलब? अब ये अंग्रेज हाथ में तराजू लेकर व्यापार करेंगे ऐसा कहकर हमारे देश में आ गए हैं। हाँ। और हमारे देश के लोग उन्हें रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं। और इन अंग्रेजों ने क्या किया पता है आपको? अभी से ये भारत देश हमारा है ये कहकर यहाँ के मालिक बन बैठे हैं और हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं ये। और इस अन्याय का विरोध करने के लिए कुछ लोग गए तो पता है उनके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? जूते मार कर उन्हें वहाँ से भगा दिया। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये चोर लोग तो, लेकिन बहन हमारे देश में सब लोग मिलकर अगर सब एक दूसरे का साथ दें तो इन्हें देश से आराम से बाहर भगा सकते हैं। उन लोगों के अत्याचार और दबाव के सामने हमारे अपने लोगों का मुंह बंद हो गया है, उनकी चालबाजी के सामने हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। हमारे लोगों का सहारा लेकर हमारी पीठ पर वार किया है। और जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों की जान ले ली है उन्होंने। कई सारी औरतों के साथ अत्याचार किया, कई सारी औरतों का मंगलसूत्र छीन लिया, बच्चों को अनाथ कर दिया। और अब अपने ही देश में, अपने ही इलाके में हम लोग गुलाम बनकर रह गए हैं भैया। ये ठीक नहीं है। हमारी पसीने की मेहनत को छीन कर, चंद पैसे उछाल कर उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमें ही भिखारी बनाकर रख दिया है। आपकी बात सुनकर मेरा खून गड़गड़ा के खौलने लग गया है। क्या करें ऐसे पापियों का है? लेकिन हम तो अनपढ़ गंवार हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन साहब जैसे लोगों को मिलकर उन अंग्रेज लोगों को मारकर भगा देना चाहिए। कौन? आपके साहब क्या? हाँ। वो तो सिर्फ आपके लिए साहब हैं, लेकिन उन अंग्रेजों के गुलाम हैं। पैसे और अधिकार के लालच में आकर उनके तलवे चाटते हैं वो, आजादी के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? इसका मतलब विश्वकर्ण जी अपने लोगों को फांसी पे लटकाते हैं क्या? फिर हमारा क्या हाल होगा? क्या करें शिवा भैया, उनके दिमाग में तो सिर्फ
मेरी जायदाद, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा संसार, मेरा अधिकार, मेरा पद, बस यही सब चलता रहता है। उन्हें जब ये मेरा देश है, ये मेरा इलाका है, सब मेरे भाई बहन हैं, जब ये समझ में आएगा तब उनमें स्वाभिमान पैदा होगा और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ये सब अंग्रेजों की चाल लगती है मुझे तो। उन लोगों ने हमारे साहब की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अगर आंदोलन करने वाले साहब के विरुद्ध हो गए ना तो देखना आप, एक दिन साहब की बुद्धि एकदम ठिकाने आ जाएगी। तब हमारे विश्वकर्ण जी का और हमारा क्या हाल होगा? लेकिन ये सब देखकर चुप भी तो नहीं रहना चाहिए ना। उन्हें बदलना होगा। उन्होंने जो गलतियां की हैं उन्हें बताने की कोशिश की, पर सारी कोशिशों पर पानी फिर गया भैया। ये देश मेरे लिए एक आंख है तो मेरा संसार, मेरे पति मेरे लिए दूसरी आंख है। इन दोनों में से किसी एक को चुनना मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसी बात नहीं है, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे साहब को बदलना होगा, जरूरी है। मैं उन्हें जाकर बुला कर लाता हूँ। नहीं, मैं उन्हें साथ में लेकर आऊंगा। मैं आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है। बोल रहे पक्या। तू दुर्गा का खास है ना? क्या चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो या फिर यहीं सड़ना चाहते हो? बाहर जाना चाहता हूँ। वो कहाँ रहता है, कहाँ घूमता है सब जानते हो ना? जानता हूँ। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें दुर्गा को पकड़वाना होगा। अगर तुम हम लोगों का साथ दोगे तो याद रखना, मौज करोगे, नहीं तो यहीं सड़ोगे। ठीक है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब चलो बाहर चलते हैं। आ जाओ, आ जा। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत माँ जी, चिल्लाओ मत। मेरा नाम दुर्गप्पा है, मैं एक आंदोलनकारी हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। आप शांत रहिए, मैं थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊंगा। माँ जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस वाले आपके पीछे पड़े हैं क्या? हाँ माँ जी, हाँ। आप क्रांतिकारी हैं क्या? हाँ माँ जी, मैं एक क्रांतिकारी हूँ। मेरा नाम दुर्गप्पा है। पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ना, अंदर चलिए। माँ जी, आप पर भरोसा कर सकता हूँ? अपने देश के लिए लड़ने वाले आप जैसे लोगों को बचाना मेरा फर्ज है, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन आप अंदर आते ही आपने मुझे माँ कहकर बुलाया, अब तो मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। आइए ना। घबराइए मत, अंदर चलिए। आइए जल्दी, आप यहीं रहिए, मैं आती हूँ। जाइए। ए, जाके अंदर देख क्या। कहीं भी छुपो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ? क्या हुआ, मिला नहीं क्या? पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आए? एक क्रांतिकारी भाग गया है, उसी को ढूंढने के लिए आए हैं। हटो बगल,
पता नहीं कहां भाग गया है, एक बार उसे मिल जाने दो बस। रत्ना, जब मैं तुम्हें इस तरह पान बनाते हुए देखता हूँ तो मुझे अपनी सुहाग रात याद आ जाती है। आएगी आएगी, अगर ऐसे ही छोड़ दिया ना तो नया दुल्हा बन के मौका देख के लिपट जाओगे तुम। कैसी हो ना तुम, इतनी जल्दी समझ गई हैं? अब तो मेरा काम आसान हो गया, चलो आ जाओ। थोड़ी शर्म करो तुम। शर्म वर्म ये सब बाहर रहनी चाहिए। शर्माना तो औरतों का काम है। मैं तो मर्द हूँ ना, मैं क्यों शर्माऊं? हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने, मर्द है ना, मर्दानगी तो दिखाते ही होंगे। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई, आखिर किस बात पे शक कर रही हो तुम? हाँ बोलो, मिलन नहीं हुआ इसलिए? मिलन सिर्फ बीवी से की जाती है, याद है ना आपको या नहीं? इस बात की तुम चिंता क्यों करती हो? एक और बच्चा पैदा कर दिया तो बस हो गया, अभी भी बहुत मजबूत हूँ। अरे बेशरम कहीं के, ये बताइए घर में जवान बच्चे हैं, उनकी शादी की बात करनी चाहिए तो आप खुद बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसी सोच है आपकी? हाँ पागल कहीं के। रत्ना, अगर एक बार आवाज दूं उतना ही काफी है। आजू बाजू के हजारों लोग रिश्ता मांगने के लिए घर के बाहर लाइन में खड़े रहेंगे, समझ रही हो ना? अगर ऐसी बात की ना आपने तो रिश्ता मिलना तो छोड़िए, कल को आपको कुछ हो गया तो कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। ए रत्ना, ऐसे समय पे मरने की बातें क्यों करती है तू? चलो ना मिलन करते हैं। अरे सेठ जी। कौन है जो इस समय दरवाजा ठोक रहा है? अरे मैं हूँ सेठ जी, नागिया। नागिया, इस वक्त वो यहाँ क्यों आया? अरे अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, क्यों दरवाजा ठोक रहे हो? अरे क्या हुआ, अरे क्या बात है? अरे बहुत बड़ा कांड हो गया, वो क्रांतिकारी है ना, वो मर गया क्या? अरे नहीं मालिक, वो कहाँ मरेगा, वो ना जेल से भाग गया, मैं सच कह रहा हूँ। अरे बाप रे शिव जी, वो भाग गया क्या? हे तुम जो बोल रहे हो वो सच है ना? सच कह रहा हूँ मालिक, पुलिस उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही है। हे महादेव, ये क्या हो गया महादेव? ए तू पहले उस दरवाजे को ठीक से बंद कर। सिर्फ इतना ही था बहन, कोई बात नहीं दीदी, अचानक से घर में मेहमान आ गए ना, तो घर में एक दाना भी नहीं था, इसीलिए आई हूँ। कोई बात नहीं बहन, मेहमान आए हैं ना, जाओ उन्हें खाना दो। लगता है अभी तक मालिक आए नहीं है ना? उनकी कहानियाँ और उनके काम, इन दोनों का ही कोई अता पता नहीं है, अब उनकी राह देखना ही मेरा काम है बस। शिवा भैया को भेजा है मैंने उन्हें देखने के लिए। अच्छा मेरे बारे में छोड़ो, तुम जाकर उन्हें खाना दो, वो इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मैं जाती हूँ, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बहन। तुम बाहर क्यों आ गए बेटा, चलो अंदर जाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया बेटा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। माँ जी, हमारे जैसे लोगों के साथ गलत करने वालों को अंग्रेज लोग सोने का पदक देते हैं, लेकिन अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले हम जैसे लोगों को इसी तरह घाव का पुरस्कार देते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं माँ जी, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा माँ जी, मैं लड़ूंगा लड़ूंगा अपने देश के लिए, लोगों की खुशी के लिए, और अपने देश का झंडा
आकाश से भी ऊंचा फहराऊं, यही मेरी इच्छा है। हाँ माँ जी, तुम्हारा ये त्याग बेकार नहीं जाएगा बेटा। तुम जैसे महान लोगों का ये संग्राम, ये त्याग और ये बलिदान, इन सब की वजह से आगे हमारा देश खुशहाल होगा और यहाँ के लोग सुखी होंगे बेटा। अच्छा है, तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती हम सब के लिए हमारे देश की आजादी है बेटा। उसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। माँ जी, भारत माता ही मेरी माँ बनकर आपके रूप में मेरे सामने खड़ी हैं। आपने मुझे सहारा दिया, यह हमारे किसी पुण्य की वजह से। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरे सीने में सीधे गोली मारेंगे तो भी मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। नहीं बेटा, तुम रुको। छे क्या हुआ भाई साहब? साहब ने कुछ बोलकर भेजा है क्या? नहीं जी, वो क्रांतिकारी दुर्गा जेल से भाग गया है। सच में? वो बदमाश इस गांव की तरफ ही भाग के आया है, इसीलिए सारे घर में ढूंढने आए हैं। क्या मजाक कर रहे हैं, वो चोर, गुनहगार, लड़ाई करने वाले, कोई भी शेर के जाल में इसने आसानी से फंस सकता है। सही बात कही है आपने, लेकिन जरा अच्छे से दरवाजा बंद करके रखिएगा। चल भाई। अच्छा भैया, ये बताइए कि साहब वो भी इसी काम पे लगे हैं। हाँ। काम छोड़ के कैसे आ सकते हैं? सतर्क रहिएगा, दरवाजा बंद कर लीजिए, अभी हम चलते हैं। ठीक है भैया, चलो। अरे बाप रे, माँ जी अब मैं जाता हूँ। क्यों बेटा, यहाँ क्यों नहीं रह सकते? और परेशान नहीं करना चाहता, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी वजह से आप परेशान ना हो। आप क्यों इतना तकलीफ उठा रही हैं? तुम उसकी फिक्र मत करो बेटा। सुनो, सोचो कि भगवान ने ही तुम्हें इस घर में भेजा है। तुम यहाँ हो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात समझिए, ये पुलिस वाले यहाँ कब आएंगे कब जाएंगे बिल्कुल पता नहीं, मेरी वजह से वो आपको परेशान करते रहेंगे। अब मेरा जाना ही ठीक होगा। नहीं बेटा, अगर तुम इस वक्त बाहर गए तो बेमतलब ही उनके हाथ लगोगे, नहीं तो पुलिस की गोली के शिकार बन जाओगे। आजादी दिलाने का तुम्हारा ये सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। मेरी बात मानो, त्याग बलिदान के लिए तैयार हुए हो तुम, जरा सोच समझ कर काम करो ना। जिद मत करो बेटा। अब आगे कुछ मत कहना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपनी कसम चढ़ा दूंगी। पर आपको? नहीं बेटा, ऐसे हालात में मुझे कुछ हो जाएगा, इस बात की चिंता मत करो तुम। सुनो बेटा, तुम जैसे इंसान को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। एक देशभक्त की मदद की तो इस बात का पुण्य ही मिलेगा ना मुझे भी। माँ जी, ये किस जन्म का एहसान चुका रही हैं आप? नहीं बेटा, ऐसी बात कहकर मुझे छोटा मत बनाओ। इस मिट्टी की आजादी के लिए तुम जो कर रहे हो ना, वो एहसान से भी बहुत बढ़कर है, वो तुम्हारा कर्तव्य है। एक माँ होने के नाते मुझे भी अपना कर्तव्य निभाने का बस एक मौका दे दो बेटा। रुक जाओ, मैं भी आती हूँ। आओ बेटा, अब बैठ जाओ। ला, अपना हाथ दिखाओ मुझे। अरे
बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? नहीं माँ जी, मुझे बस अपनी माँ याद आ गई। मुझे पालने के लिए उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत मेहनत की। मैं उनका उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। और अब आप मेरी मां बनकर मेरी सेवा कर रही हैं। तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें जन्म देने वाली और पालने वाली माँ से भी बढ़कर इस धरती माँ की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो तुम। तुम अपने लक्ष्य को पूरा करो और अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारो, और कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना बेटा। कैसे हिम्मत ना हारूं, कैसे हिम्मत ना हारूं? मेरे लिए जान देने वाली अपनी माँ को मैं कैसे वापस लाऊं माँ जी? हे शिव जी, कैसे लाऊं? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई? वो कैसे बेटा? मेरा हाथ पकड़कर चलाने वाली मेरी माँ ने बहुत तकलीफें झेली, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मेरी माँ की जान मेरे कारण गई। अपने दुख को अपने अंदर दबाकर मत रखो, वो क्या है बता दो, कम से कम तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा। कैसे बताऊं माँ जी, उस कहानी को मैं कैसे सुनाऊं? Oh.
ए दुर्गा ये ले। क्या है बेटा ये? ये संदेश पत्र है माँ, इसमें कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ ना जरा। ओ मेरे भारत के भाइयों और बहनों, अंग्रेजों ने अपने शासन से भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा है, उन्हें आज़ादी दिलवानी है। ये हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। लंबे दौर से ये आंदोलन चला आ रहा है और इसमें गांधी जी भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। देश में रहने वाले हर एक नागरिक को इस आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग देकर इस लड़ाई को मजबूत करना है। अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने के लिए तन मन धन से सहायता करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तुम्हारे परदादा, दादा, तुम्हारे पिता, वो सब इस आजादी के लिए ही शहीद हो गए थे। पिताजी भी यही लड़ाई लड़ते थे? वो बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाती हूँ। मैं भी क्रांतिकारी बनूंगा माँ। लड़ाई करना तो तुम्हारे खून में ही है बेटा, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। समय आने पर मैं तुम्हें लड़ाई में जरूर भेजूंगी बेटा। चलो चलते हैं, चलो। आया माँ। पिताजी हम सबको छोड़कर क्यों चले गए माँ? वो खुद नहीं गए बेटा, उन्हें भेजा गया था। किसने भेजा माँ? अंग्रेज लोग और पुलिस वालों ने मिलकर उनकी जान ले ली। माँ पिताजी ने कौन सी गलती कर दी थी? वो गलती सुधारने गए थे। मतलब? उनकी बुराई के सामने इनकी हिम्मत देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें गोली मार कर उन्हें मार डाला बेटा। माँ रो मत माँ, मैं भी बड़ा होकर पिताजी की तरह अपना फर्ज निभाऊंगा माँ, सारे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। तुम रो मत माँ। माँ आज तो कम से कम हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे ना? फिक्र मत करना बेटा, सबसे पहले तो ये धान ले जाऊंगी और चावल बना के पेट भर खाना खिलाऊंगी। ठीक है माँ। चलो ये पकड़ लो बेटा। ए, रुक जाओ, धान मत देना। अभी तो हमने धान लिया भी नहीं और ये कहाँ से आ गए? ए, धान का टीला बनाकर दान कर रहे हो, लगान क्या तुम्हारा बाप भरेगा? नहीं मालिक, 2-3 सालों से इतनी खेती करने के बाद भी निवाला नहीं मिलता। इस साल बस इतनी फसल हुई है, इसमें से थोड़ा रखकर बाकी फसल से आपके लगान बहुत जल्दी भर देंगे मालिक। सब जानता हूँ तेरा नाटक, पहले लगान भर और पैसे दे। ए, सारा धान पलटी करो। ए, ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सारे धान को बोरी में भरकर हवेली में लेके आओ, जल्दी करो। ऐसा मत कीजिए मालिक, आपके पैर पड़ता हूँ, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक। मालिक ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए मालिक, मालिक दया कीजिए, मर जाएंगे। कंपनी सरकार हम पे दया नहीं दिखाएगी, ये सब नहीं चलेगा। ए, भरो जल्दी से बोरी में। ए, रुक जाओ। ए, क्या बोला रे तूने? हमें धमकी देकर हमारी फसल लूट रहे हो, मेहनत करके फसल उगाए हम लोग और फिर तुम लोग हक जताते हो? ऐसा क्या चीज के दूंगा ना, चल लगान भर, हमें उल्टा जवाब देता है, पिद्दी भर का तो है। छोड़िए, जाने दीजिए मालिक, बच्चा है ये, अनजाने में कह दिया, भूखा रह रहे के थक चुका है ये। इसे ऐसी उम्मीद थी कि कम से कम आज तो पेट भर के खाना मिलेगा इसे, लेकिन उस सुख पे भी मिट्टी फिर गया, इसीलिए ऐसा कह दिया होगा। तुम अपने बेटे को हद में रखा करो,
ऐसे ही दिमाग चलाता रहा ना तो सारे गांव में भीख मांगेगा। माफ कर दीजिए मालिक। दुर्गा चलो बेटा। ए, तुम लोग भी निकलो, सब कुछ बोरी में भरो। भूख लगी है क्या? आज एक रात के लिए सहलो बेटा, कल कुछ भी कैसे भी करके किसी के घर से भी अनाज ले आके तेरा पेट भर दूंगी बेटा। हाँ मत रो माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बहुत दिन भूखे रह सकता हूँ माँ। ठीक है बेटा, सो जाओ सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है माँ, तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। मेरे बच्चे की ये क्या हालत हो गई है। हाँ, ये सारा अनाज गांव में ले चलो, जल्दी करो। Thank you.
वेलकम वेलकम सेंड्री साहब, टेक योर सीट। तो बोलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम साहब? वो जो अपना दुर्गा है ना, वो हमारे लिए सरदर्द बन गया है। लगान वसूलने ही नहीं दे रहा है, और जो लगान वसूल करते हैं वो भी हमसे छीन लेता है। यहाँ तक कि हमारे लोगों को मारा भी उसने। चाहिए तो इससे पूछ लीजिए। बोल रहे, अरे सिर्फ हमें ही नहीं साहब, हमारे मालिक को भी मारे हैं। ए, बंद कर बकवास। उन्होंने पूछा क्या? ऐसी बात नहीं है साहब, 100-100 लोगों का झुंड बना के मेरे घर पे आते हैं और अनाज उठा के ले जाते हैं, और अगर बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो मारते हैं। ओह नो, वो कॉमन मैन इतना कुछ कर रहा है? हाँ सच है साहब, अब आप ही कुछ करिए, उसे पकड़ के उसे जान से मार डालिए। डोंट यू वरी, आई विल कॉल द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनसे डिस्कस करके मैं इमीडिएट एक्शन ले लूंगा, यू डोंट वरी। ठीक है ठीक है, जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए। आई विल, आई विल। सच में साहब जी, नहीं तो वो लोग झुंड बना के आपको भी मार डालेंगे साहब। ओह नो, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ेगा, उसे सबक सिखाना होगा। एनीवे, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दुर्गप्पा दुर्गप्पा दुर्गप्पा। अब डेवलपमेंट ऑफिसर। यस सर। बैक अप सर। आई नीड नो एक्सक्यूजेस सर। सर सर, डू यू नो दिस टाइम सर the collection of revenue absolutely dissatisfying sir, you know, okay, sir. After all I am answerable to higher authorities. Yes sir. So do nab that culprit at the earliest. Sure sir. Hame thoda is kaam ke liye time chahiye sir, thoda time sir agar mil jaye to. No, we are running short of time. Oh, look Mr. Development Officer sir, just make it fast. Sure sir. I want him dead or alive at any cost. Mr. Development Officer, yes sir, make use of your uniform and show him your police power. Okay sir, aisa hi karunga sir. Okay, we shall deliver sir. Yeah, mamla aap tak na pahunche main sambhal lunga sir. Good, ho jayega sir. Enjoy your power. Yes sir. Good luck. Sahab, us Durga ka natak bahut ho gaya hai. लगान वसूल करने में हमें बहुत डर लगता था, ये आपने बिल्कुल सही किया। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टूपिड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाहे हमें कितनी भी मुसीबतें आए, हमें उसका सामना करना होगा। देश से भगाओगे? दुर्गा की माँ कहाँ है? यहाँ से सीधे जाइए, वहीं पर होगी। चलो। अरे सर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? मुझे बताओ, यहाँ दुर्गा की माँ कौन है? हैं? मैं ही हूँ साहब। तो तुम हो उसकी माँ? क्यों, कहाँ है तेरा बेटा?
हे भगवान, मुझे मेरे बेटे को देखकर एक हफ्ता हो गया है, पता नहीं कहाँ है वो। झूठ मत बोल वरना खत्म कर दूंगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे मारने से आपको मेरा बेटा मिल जाएगा? देखा क्या, ये बुढ़िया कैसे अकड़ के बात कर रही है। हाँ सर, चर्बी बहुत ज्यादा चढ़ गई है क्या? हम जैसे गरीबों को चर्बी कहाँ से आएगी साहब? उन अंग्रेजों का जूठा खा खा कर आपको ही चर्बी ज्यादा आ गई है। उसकी माँ भी वैसी ही है खतरनाक। वो तो अब मैं दिखाऊंगा, मुझसे पंगा। सारे गांव वालों को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। बहुत बोलती है तू, हाँ बहुत बोलती है, हाँ हमारे हाथों से मार खाएगी तो पता चल जाएगा तुझे मैं कौन हूँ। बुढ़िया जीना नहीं चाहती है क्या बुढ़िया? हाँ कंपनी सरकार से पंगा लेने के बाद तेरे बेटे की क्या हालत होगी तुझे पता नहीं है क्या बुढ़िया? तेरे गद्दार बेटे को सरकार क्या सजा देगी पता है? मेरा बेटा गद्दार नहीं है साहब, वो मर्द का बच्चा है। कान खोलकर सुन लीजिए, अपनी इस धरती के लिए, अपने इस देश के लिए स्वाभिमान से जी कर संघर्ष कर रहा है बंद वो। कर बुढ़िया, तुम्हारी तरह हुकुम चलाकर, अंग्रेजों का साथ देकर, उन लोगों का जूठा खाकर, जैसा वो कहते हैं वैसा करने वाला नहीं है मेरा बेटा, वो एक देश प्रेमी है। चुप। देश प्रेमी बोलती है, देश प्रेमी क्या रे बुढ़िया? मैं देशद्रोही और तेरा बेटा देश प्रेमी है? हाँ साहब। तुझे और तेरे बेटे को अब तक असली चेहरा नहीं दिखाया, आप दिखाऊंगा मैं, तब पता चलेगा कि मैं। तुम क्या करोगे साहब? अगर मेरा बेटा सामने होता ना, होता तो जिस हाथ से मुझ पर हाथ उठाया है उस हाथ को काट कर फेंक देता। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं माँ जी, अरे भाई देखो कहीं वो दुर्गा ना आ जाए, मैं तो बहुत डर गया हूँ। बुढ़िया धमकी देती है, धमकी देती है, सब लोग सुनो, वो दुर्गा इस बुढ़िया का बेटा सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे, ये मेरा वादा है। वो सरकार से बच नहीं सकता, वो कहीं भी छुपा है, कानून उसे पकड़ लेगी। तुम लोगों में हिम्मत है तो यहीं रुको, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हम जैसो से पंगा लिया तो पुलिस उसकी नानी याद दिला देगी। मुझसे बहस कर रही है तू, एक बकरी एक शेर से है? मैं उस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा, देख लेना। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दुर्गा को कहाँ छिपा कर रखा है बता दे। मेरे चारों ओर पुलिस है और हाथ में पिस्तौल है, उसके बाद भी आप में से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है और मुझ जैसी बुढ़िया को सता रहे हो, कितने बदतमीज हो तुम, तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान है या नहीं? ए बुढ़िया तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है, नहीं मानेगी तू मेरी बात, तेरी अकड़ मैं निकालूंगा, समझती क्या मुझे? रो क्यों रही है, दर्द हो रहा है तुझे? दर्द हो रहा है इस वजह से नहीं रो रही, उस भगवान ने दुर्गा जैसा एक ही बेटा दिया है इसलिए रो रही हूँ। ऐसा क्या? उसके जैसे चार पांच बच्चे होते तो होता है। तुम्हारा घमंड तुम्हारे कंपनी के सारे लोगों को मार कर गांव की सीमा में तोरण बांध देते हम। तोरण बांधेगी बोलती है ये बुढ़िया, हमें मारकर हमारा ही तोरण बांधेगी ये बुढ़िया, बोलती है कि तोरण बांधेगी, हमारे नाम का तोरण बांधेगी ये बुढ़िया, तोरण बांधेगी। ले चलो इसे, बंधवाता हूँ तोरण। ए बुढ़िया चल उठ। ए बुढ़िया साहब, इसकी सांस नहीं चल रही है। बुढ़िया बोल। देखा ना सब लोगों ने, हाँ देश प्रेम देशभक्ति आजादी के नाम से किसी ने आवाज उठाई तो उसका भी यही हाल होगा, देखा? चलो चलो यहाँ से जाओ, भागो। अच्छा हुआ मर गई। इस धरती माँ ने हम सबको जन्म दिया है, खाने के लिए अन्न दिया है, और सबसे बड़ी बात वो हमारा बोझ उठा रही है, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, सही कहा। और इसके बीच चाहे अंग्रेज आए या कोई और आए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जरूर जरूर। अपनी जान को दांव पे लगाकर हम आखिरी दम तक इस धरती माँ को बचाएंगे, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कल इसी जगह पर हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। नमस्ते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुर्गा। हाँ अरे दुर्गा। ए क्या हुआ?
बताओ इतना घबराए हुए क्यों हो? वो क्या है कि माँ को उस पुलिस वाले ने तुम्हारी माँ को किसने किया ये माँ? किसने किया? तुम्हारा दुर्गा पारा है माँ, तुम्हारा बेटा, बोलो माँ। बात उछल रही थी तेरी माँ, ऊपर पहुंचा दिया। क्या कहा? तेरी वजह से इसका ये हाल हुआ है, बहुत देश प्रेमी बन रहा है ना। हे सुन, ये कोई बीमारी नहीं है, देश प्रेम है। तेरा भी यही हाल होगा, देश प्रेमी बंदा तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मेरी माँ ने क्या पाप किया तेरे था जो जैसे पापी को जन्म दिया, यही पाप था उसका। सजा मिल गई उसे, अब तुझे सजा देना बाकी है। ले चलो इसे। साहब, आपको गुस्सा है तो आप मुझे मारो, चाहे जो जी में आए करो, लेकिन मुझे इनका अंतिम संस्कार करने दो। एक बात मत बोलना तुम, जमीन में गाड़ने से कीड़े मकोड़े खाएंगे इसे, ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर खाएंगे इसे। उनका पेट भरेगा, उसका पुण्य मुझे मिलेगा, तूने जला दिया तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। ऐसा नहीं होने दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरी माँ मेरे कारण मर गई, जन्म देने वाली माँ का अंतिम संस्कार भी मैं नहीं कर पाया। वो पापी लोग हे शिव जी, तुम्हारी माँ ने तो इस देश के लिए अपनी जान दे दी, उन्हें उनके त्याग का फल तो जरूर मिलेगा। क्या करें बेटा, इस लड़ाई में लड़ने वालों की जिंदगी में ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलवानी है तो इस लड़ाई को जारी रखना होगा। मैं बस अभी आई। पता नहीं कब खाना खाया होगा, थोड़ा खा लो। नहीं माँ जी, आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हैं? बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को परेशानी होगी, खा लो बेटा। ठीक है माँ जी। रुक जाओ। जन्म देने वाली माँ के हाथ से खाने का पुण्य नहीं मिला, पर अब दूसरी माँ के हाथ से खा रहा हूं। तो अब आगे क्या करने की सोचा है? कहाँ जाओगे तुम? क्या बताऊं माँ, कैसे बताऊं? तुम कहीं भी चले जाओ, पुलिस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं बाजी, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कई सारी माताओं का मंगल सूत्र तोड़ने वाला, बच्चों को अनाथ बनाने वाला, अपना अधिकार जताने वाला उस कमीने को, उस इंस्पेक्टर को
मैं जान से नहीं मार दूंगा, तब तक नहीं मरूंगा। नहीं, थोड़ा पानी पियो, ये लो। घर जा। हे गिरजा। अरे रे, मेरे पति आ गए। दरवाजा खोल। अब जाकर दरवाजा खोलिए ना। आपके पति जैसे पुण्यात्मा को मैं प्रणाम करूंगा, वो भी जरूर आपके जैसे एक अच्छे इंसान होंगे। अरे नहीं बेटा, तुम उनकी नजरों में नहीं आ सकते और वो तुम्हें देखने भी नहीं चाहिए। जाओ अंदर जाओ। हाँ, आई आई। कहाँ रह गए? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। गिरजा, क्या कर? आइए आइए। क्या कर रही थी अंदर तू? तुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्या? बस आपकी ही राह देख रही थी जी, ऐसी नींद आ गई, बस आइए ना। इतनी घबराई हो क्यों लग रही है? घबराहट नहीं तो दरवाजा बंद करके आ जा। तुझे देखा था पहली बार, तो हुआ था मुझको प्यार, वो था मेरा पहला। हाँ, कहाँ है वो? क्या हो गया तुम्हें? इतनी घबराई हो क्यों? कुछ नहीं जी। अच्छा, आप किसके बारे में पूछ रहे थे? लाइए मैं उतार देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। कोई बात नहीं जी, घर में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं आता है ना। हाँ, हे शिव जी, ये क्या, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हमारे घर में आपके अलावा और कोई मर्द कैसे हो सकता है? तो फिर वो शिवा भाई। ओ, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। लाइए, आपने कहा था कि 6 बजे तक आ जाएंगे, तो इतनी देर तक आए नहीं, तो मैंने ही उन्हें कहा कि बाहर जाकर आपको देखा है। मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो मुझे बुलाकर लाने के लिए है? अच्छा सुनो, पीने के लिए कुछ है क्या? नहीं, अभी ले आती हूँ। ये क्या नया? रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप काम पर जाते हैं तो 3-4 दिनों तक वापस नहीं आते, इसलिए ये पहनने के लिए लाई हूँ। अरे बंदूक को ऐसे मत पकड़ो। हाँ मैं जानती हूँ, आप पहनिए। अरे यहाँ वहाँ मत रखना उसे। क्या बात है, अजीब अजीब हरकत कर रही है आज तो। पहली बार देखा तो तुम्हें हुआ प्यार प्यार प्यार। पहली बार देखा तो हो गया है, न न न न न हो गया है। ऐ गिरजा। हाँ, क्या हुआ जी? इधर आओ, यहाँ खून गिरा है, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे बोलो, क्या करूँ? क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, ए गिरजा। हाँ, आ रही हूँ। अरे अंदर क्या कर रही है? गिरजा, ए गिरजा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या हुआ जी? वहाँ पे खून गिरा हुआ है। ये वहाँ गिरा है क्या? आपके लिए खाना बनाने के लिए प्याज काट रही थी तो जरा सा हाथ कट गया। क्या कहा, हाथ कट गया? जरा दिखाना, दिखाना। अरे थोड़ा सा लगा है जी, छोड़िए ना। अरे दिखाओ तो मुझे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैं देखूंगा कितना कट गया है। दर्द नहीं हो रहा क्या? कैसे कटा? हल्दी कहाँ, हल्दी कहाँ है? हाँ हल्दी कहाँ है? देती हूँ देती हूँ, जरा सा भी बात नहीं सुनते मेरी, सच में बहुत जिद्दी हो गए हैं आप। चल हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। दर्द हो रहा है? 2-3 दिनों तक ऐसे रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा आराम से। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हाँ आराम से करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो मत फाड़िए। अच्छा ये नहीं है? हाँ इसे बांधता हूँ। हाँ लाओ लाओ, हाथ। हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, आराम से सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, है ना। लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। बहुत खुश लग रही हो। बहुत दिनों के बाद आपको मेरी फिक्र करने का मौका मिला है ना, इसलिए खुश हो रही हूँ। औरत ज्यादा खुश होती है
तू इतनी चिंता भी करती है? चिंता? मुझे किस बात की चिंता होगी? अरे ऐसा, अरे फिर गिरा दिया, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम आज? क्या कह रहे हैं, भी मतलब कुछ भी कहे जा रहे हैं। तुम्हारी आंखों में घबराहट है, कोई तो बात है। ये क्या बात हुई जी, घर में भी पुलिस की तरह बर्ताव कर रहे हैं। खाना खा लीजिए, हमेशा ऐसे ही करते हैं ये। माफ कर दे मुझे यार, मुझे माफ कर दे, मुझे यार माफ कर दे। कहाँ खो गई हो, तुम्हें होश नहीं है क्या? क्या हुआ जी? मैं क्या खाऊं? अरे मैं भी ना। ये लीजिए। माँ जी के पति आ गए और मैं यहाँ रुका तो माँ जी को तकलीफ होगी, मुझे यहाँ से जाना होगा। कौन है बे तू? ए, तुझे तो क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? अरे बाप रे, सुनिए 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 क्या हुआ? उठिए। हे शिव जी, हे भगवान, अरे पापी, यहाँ की अरे पापी, मेरे पति को मार डाला, तो जैसे इंसान को सहारा देकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। उठी है ना, क्या किया? मुझे क्यों छोड़ दिया तूने? मुझे भी मार दे ना, मुझे भी मार दे इनके साथ, मैं तुझे क्या करूंगी? मार मार दे मुझे भी। बेटा सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना बाहर मत आना। अब सुनो, बाहर का दरवाजा खुला है, तुम चुपचाप वहां से निकल जाओ, कोई देखने ना पाए। संभल कर जाना। आ रही हूँ, जाओ जाओ जल्दी करो। रोटी और प्यार देखकर तुमने मेरा हाथ बांध दिया ना माँ जी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ कौरी, इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझे पता चला कि तुम जेल से भाग आए हो, और तुम किस रास्ते से आओगे ये भी पता था, इसलिए राह देख रही थी। कोई जरूरत नहीं, मैंने कितनी बार कहा है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं,
मेरा दिल मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? तुम मुझे अपनाओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी लड़ूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी। तो अब तक तुम सपनों से बाहर थी। रुको, मेरे साथ आओ तुम। कहां? उन्हें देखे बिना, उनके आशीर्वाद के बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं रख पाओगे। कौन है वो? आओ मेरे साथ आओ। ए, कौन है तू? ए, उठ, उठ, ए, उठ, उठ जा, उठ। साहब, मैं हूँ, मैं हूँ। कहाँ गए थे? यहाँ क्यों सोए हो? कहीं नहीं गया था साहब। आप रात को घर पे नहीं लौटे तो हम सब घबरा गए थे, इसलिए मैं आपको ढूंढने निकला था, पर आप कहीं मिले नहीं। आकर देखा तो आप सो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों उठाऊं, तो फिर मैं भी बाहर आके यहीं सो गया। चलो अंदर चल के सो जाओ। हाँ ठीक है साहब। यहां क्यों लेकर आई हो? गौरी गौरी, तुम यहां पर क्यों लेकर आई? मां। हाँ? मेरी मां? अम्मा, आपका बेटा आया है, दुर्गप्पा आया है। माँ एक बार कुछ तो बोलो, माँ कुछ तो बोलो, माँ कुछ तो बोलो। दुर्गा, संभालो अपने आप को। गौरी, मैं तो कब का मर चुका हूं, अब तो सिर्फ एक जिंदा लाश हूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने मां का अंतिम संस्कार करके अपना फर्ज निभाया,
लेकिन मैं उनका बेटा होकर भी दुर्गा मत रो। क्या हुआ? माँ को याद करने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है गौरी, कुछ भी नहीं है। ये देखो, माँ ने मेरी रक्षा के लिए ये ताबीज बांधी थी और प्यार से ये कड़ा भी दिया था और पैर में अरे कड़ा, मेरा पैर का दुर्गा, पैर का कड़ा कहाँ गया? अब कहाँ गया? अब कहाँ गया? क्या हुआ? मेरे पैर का कड़ा नहीं मिल रहा। माँ ने बहुत प्यार से वो कड़ा मुझे दिया था, वो मिल नहीं रहा। यही कहीं रास्ते में गिर गया होगा गौरी। वही गिरा होगा। कहाँ गिरा होगा? गौरी, जेल से भागने के बाद मैं एक घर में गया था। उस घर की मालकिन ने माँ बनकर मेरी सेवा की, अपने हाथों से रोटी खिलाई और तभी उनका पति आ गया और फिर मैं उस घर से भाग कर आया। जरूर वो वहीं गिरा होगा। तो अब तुम करना क्या चाहते हो? मैं अभी आता हूँ। दुर्गा, कहाँ जा रहे हो? मुझे उस घर में जाना है वो कड़ा लेने के लिए। अरे पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। गौरी गौरी, उस माँ का पति पुलिस वाला है, पुलिस इंस्पेक्टर है। हे भगवान, अगर उसके हाथ में वो कड़ा मिल गया तो उस माँ की जान भी मेरे कारण जाएगी। दुर्गा, मुझे जाना होगा गौरी। दुर्गा भैया, दुर्गा भैया। राजा, तुम यहाँ? एक बात बताऊँ आपको, गौरी बिल्कुल सही कह रही है, उस घर की तरफ मत जाइए आप। हाँ दुर्गा, तुम्हारी जान को खतरा, चाहे कुछ भी होने दो, मैं अगर मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन मैं उस माँ को खोना नहीं चाहता। जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत लो दुर्गा। उनका पति इंस्पेक्टर मेरे हिसाब से अभी घर में ही होगा। उसे गुस्सा आ गया और उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो तुम जो करना चाहते हो वो सब बेकार हो जाएगा। शांत दिमाग से सोचो दुर्गा। दुर्गा भैया, आपकी जान को खतरा हो सकता है। गांधी जी ने कहा है शांति मार्ग पर चलना होगा, इसे पहन लीजिए, हम लोग शांति से लड़ेंगे। वो कंबल मुझे दो, जल्दी दो, इसे लेकर जाओ, जल्दी करो, इसे लेकर जाओ। सुनिए भैया, उधर घर में कौन आया था बताओगी मुझे? घर में कौन आएगा आपके अलावा? और कोई नहीं आ सकता। तो उससे पूछा क्या? मुंह बंद करो, बड़ा यहाँ बोलने वाला। कोई नहीं आया जी, हमारे घर में कौन आएगा? बोल रही हो? सच सच बताओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ इस जगह प्याज काटोगे तो हाथ कहाँ कटेगा? यहाँ कटेगा। लेकिन यहाँ कैसे कटा, बोलो यहाँ कैसे कटा? बोलो वो क्या सच है ना? सच सच बताओ। लेकिन मेरे आने तक तुम लोग खाना भी नहीं खाते हो, सही बोला ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे आने से पहले ही खाने की थाली धोने के लिए क्यों रखी हुई थी? ये आप कैसा शक कर रहे हैं? तुम चुप रहो। कौन आया था यहाँ पे? घर में कौन आया था? मैं बोलूं क्या? बताओ। कुछ याद आया? सच बता दो, मुझसे पहले कौन आया था यहाँ पे? हमारे घर में दुर्गप्पा नाम का एक आदमी आया था। मैं मुसीबत में हूँ, मुझे सहारा दे दो, ऐसा कहकर मुझसे विनती की। उसे बहुत चोट लगी हुई थी, वो उस दर्द को सह भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया। उसके हाथ में मैंने हल्दी भी लगाई और उसे खाने के लिए रोटी भी दी। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा। दुर्गा को पकड़ने के लिए कंपनी सरकार मुझे दबाव दे रही है। वो मेरा दुश्मन है, मेरे घर में आकर मेरी बीवी के हाथों सेवा करवाकर यहां से चला गया। वो इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता मेरे साथ। कोई बात नहीं, खैर जाने दो। तुम एक अधिकारी की बीवी होकर एक देशद्रोही की मदद करती हो? छह, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों जी, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? उसने कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर दी? जाने दीजिए ना, छोड़िए इस बात को। उसे जाने दूं? मैं उसे छोड़ दूं? कमीना कहीं का। उसने मेरी पिस्टल चोरी की है, अगर लौटाया तो बच सकता है वो, नहीं तो मैं उसकी जान ले लूंगा। उस बेचारे ने आपके साथ क्या बुरा किया है जो आप उसके पीछे पड़े हुए हैं? जो सरकार मुझे खाना देती उसके खिलाफ लड़ता है वो, उसका विरोध करता है वो गद्दार है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसका मतलब देश प्रेमियों और देश भक्तों के लिए आपके मन में कोई आदर नहीं है? उन अंग्रेजों की गुलामी से हम देशवासियों को बचाने वाले उस इंसान को आप इतनी आसानी से मार देंगे? वाह वाह, बढ़िया, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो तुम तो। देशभक्ति, देश प्रेमी, लड़ाई, संग्राम, गुलामगिरी, आजादी, संघर्ष, स्वतंत्रता, कौन बोलता है ये? उस बदमाश दुर्गा ने ही बताया ना है ये सब। हाँ, कोई मुझे क्या बताएगा जी, मेरे दिल में भी अपने देश के लिए प्रेम है और ये सब देख कर मेरा भी खून खौलता है। सुनिए ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप इस जायदाद, इस अधिकार के लिए अपने ही लोगों का खून इस तरह से मत बहाइए। मुंह बंद कर, पहले तुझे अरेस्ट करके जेल में डालूंगा मैं। अपराधी का साथ देकर, उसे सहारा देकर बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। तो ठीक है, डाल दीजिए ना, किसने मना किया है? हाथ में हथकड़ी पहनाकर बीच रास्ते में खींच कर ले जाइए मुझे और गाड़ दीजिए कहीं। बीवी ने गलती की इसलिए अपने ही पति ने उसे अरेस्ट किया, इस बात की सारी दुनिया तारीफ करेगी और आपकी सरकार वो तो आपको पुरस्कार भी देगी। ये सब क्या हो रहा है? शांति के नाम पर सरकार बोलकर आपको और किसी और को लड़ा रही है, तो आप क्यों लड़ रहे हो? चुप रहो पट्टे, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो। अपराध करने वाली माँ हो या बीवी, दोनों अपराधी हैं। सही कहा, इसलिए हाथ में हथकड़ी पहनाकर मार डालिए ना मुझे। सोचिए मत, आपके हाथों तो कई सारे क्रांतिकारी मारे गए हैं और औरतें और बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो क्या मैं कोई खास हूँ? आपके अंदर का स्वाभिमान बिल्कुल मर चुका है। घर जा। तो फिर और क्या कहूँ जी? नहीं, हमें ये नौकरी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि उन लोगों का श्राप हमें नहीं लगेगा? अपने खेत में हम फसल उगाएंगे तो आप किसान हैं ऐसा कहकर लोग आपकी तारीफ करेंगे। जितनी चाहे धन दौलत जायदाद हम कमा लेंगे और देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों का साथ भी दे पाएंगे। इस धरती पर पैदा हुए हैं तो आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। बढ़िया, बहुत उपदेश दे दिया, आप मेरी सुनो। सदियों से राजा महाराजा अपने सैनिकों के साथ आजादी के लिए लड़ रहे, आखिर उन्हें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। चार लोग मिलकर के हाथ में झंडा लेकर के लड़ेंगे तो उन्हें क्या मिल जाएगा? आजादी मिल जाएगी। आजादी जरूर मिल जाएगी जी, एक दिए से हजारों दिए जला सकते हैं। अगर हमारी तरह सब लोग सोचने लगे तो एक हाथ का दो हाथ हो जाएगा और दो के चार हाथ। स्वतंत्रता के लिए लड़ने की हमें हिम्मत भी मिल जाएगी। पर ये सारी बातें आपको समझाने का क्या फायदा, क्योंकि आप तो अंग्रेजों के गुलाम है ना। खबरदार, मुंह बंद कर अपना, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। गुलामी के बारे में क्या जानती हो, मत बात करो उस बारे में। मुझे गुलाम बोल रही है, अब दिखाता हूँ गुलाम क्या होता है। साहब जी, इस माँ को कोई परेशानी ना हो इसीलिए मैं यहाँ अपनी जान के परवाह किए बिना आया। मेरी माँ को आप परेशान मत कीजिए। जय दुर्गा। बहुत सही। मांस के लिए शेर शिकार करता है, लेकिन यहाँ शिकार शेर के सामने ही आ गया। तुमने शेर का काम आसान कर दिया, बहुत हिम्मत है तुम में। अब तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है दुर्गा। आजा आजा, तुझे तो अब मैं। ए दुर्गा, ए दुर्गा, ए दुर्गा, वो बच्चों का खिलौना नहीं है। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। दुर्गा गलती मत करना। नहीं नहीं दुर्गा, दुर्गा नहीं, रुक जाओ, मैंने बोला ना, रुक जाओ। नहीं बेटा, मेरी बात सुन, तुम इनसे बहुत नाराज हो मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकती। पहले मुझे मार दो तुम। नहीं माँ जी, मैं यहाँ इन्हें मारने नहीं आया। मुसीबत में आपने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दी, अपने हाथों से मुझे रोटी खिलाई। माँ, मैं उस एहसान को कैसे भूल सकता हूँ? बंदूक इधर दो। साहब जी, मैं जानता हूँ ये आपकी ही है, माँ को बिना बताए इसे चुरा कर मैंने गलती की। ये लीजिए। ला ला,
लो इधर दो। आपकी नजरों में मैं गलत हूं, आप मुझे गोली मार दो। क्या हुआ साहब जी, क्या सोच रहे हैं? चलाइए गोली। आप गोली मारेंगे तो भी मरूंगा, नहीं मारेंगे तो भी मरूंगा। हे बाबा, दुर्गा को क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? ये तो कैसे हुआ बेटा? रास्ते में पुलिस वालों ने मेरा शिकार कर दिया, मेरा शिकार कर दिया। माँ जी, आजाद होते भारत को देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, कम से कम आपका बेटा बनकर मरने का सौभाग्य तो मुझे दे दो। साहब जी, आपसे आखिरी बार एक बात कहना चाहता हूं, मेरी मौत पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, मुझे गर्व है क्योंकि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी के लिए लड़कर इसी मिट्टी में आज मर भी रहा हूं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन साहब जी, मैं आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, किसी का भी गुलाम नहीं बना साहब जी, किसी की गुलामी मैंने नहीं की। माँ जी, बोलो बेटा। माँ जी, खत्म हो गया माँ जी। ऐसा मत कहो बेटा। आपका प्यार रिश्ता सब यहीं पर खत्म हो गया। ऐसा मत कहो। माँ की गोद में मेरी मेरी जान जा रही है, इसका मुझे बहुत माँ माँ दुर्गा शांति की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं हम, लोगों को मार कर जी रहे हैं हम। एक पल स्वतंत्रता के बारे में सोचो तो मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। इस देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कितने ही लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपनी जानें कुर्बान कर दी। तुम देश प्रेमी बनकर महान हो गए हो, अमर हो गए हो। मुझे क्षमा कर देना दुर्गा, मुझे क्षमा कर देना। आज के बाद मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम्। जय हिंद।